हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव फोटोग्राफी। माय सेल्फ मयंक सोनी। आज के वीडियो में हम देखेंगे मोज़ेक कैसे बनाते हैं। ये देखिए, इसे कहते हैं मोज़ेक। बहुत सारे फोटोज़ को ज्वाइन करके एक फोटो बनाने को बोलते हैं मोज़ेक। ठीक है, हम ऐसे कैसे करेंगे, बहुत क्विकली और बहुत ईजीली ये कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोज़ेक बनाना। यहाँ से आप जाएंगे फाइल में, फाइल से जाएंगे ऑटोमेट में, ऑटोमेट के बाद आप जाएंगे कॉन्टेक्ट शीट 2। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं यूज़ में। हम पहले सेलेक्ट करेंगे फोल्डर, ठीक है, उसके बाद चूज़। ठीक है, चूज़ पे जैसे क्लिक करेंगे, ये ध्यान रखिए आपको ये सारे जो फोटोज़ हैं मोज़ेक के लिए लेना है, इनको सबको एक फोल्डर में रखना होगा। ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ से जाता हूँ मेरे मोज़ेक वाले फोल्डर में। ये देखिए, न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट करके रखा है, इसमें सारे फोटोज़ हैं। ठीक है, न्यू फोल्डर सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर पर टैप करूँगा। ठीक है, इंक्लूड सब फोल्डर पर रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट पे इंचेस रहने दीजिए, विड्थ 12, हाइट 8। ठीक है, रिजोल्यूशन को 150 रहने दीजिए। यहाँ पर फ्लैटन ऑल लेयर पे अनचेक रहने दीजिएगा, कलर RGB रहने दीजिएगा, बिट 8-bit रहने दीजिएगा, उसके बाद एक्रॉस फर्स्ट। ठीक है, एक्रॉस फर्स्ट को आप सेलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए कॉलम और रोज, इसमें आपको थोड़ा सा कैच है, आपके कॉलम और रोज को कैसे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 फोटोग्राफ्स हैं। ठीक है, तो 100 फोटोग्राफ्स को आप क्या, जैसे टेबल 10 10 100, ऐसा 5 5 25, आप ऐसे फोटोज ले सकते हैं। ठीक है, 7 7 49, ठीक है, 6 6 36, तो वो 36 फोटोज आपको उस फोल्डर में डाल के रखने पड़ेंगे। जैसे 7 7 49, तो 49 फोटोज आपको एक फोल्डर में डाल के रखने होंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने फोटोज लिए हैं 49 लिए हैं, तो मैं रॉ और कॉलम में दोनों में 7 7 में डाल के रख दूंगा। ठीक है, रोटेट फॉर द बेस्ट फिट पे आप चेक कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोटो रोटेट हो और आप चाहते हैं कि ना हो, तो आप इस पर से इसको अनचेक कर दीजिए। ठीक है, मैंने चेक करके रखा हुआ है और ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये टाइम लेगा, हम जब तक वेट कर लेते हैं इसके टाइम का, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। 49 फोटोज पूरे यहाँ पर ओपन होंगे। ठीक है, ये देखिए हमारी फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर टॉप पे मूव टूल पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो है ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन, इसको आपको चेक करके रखना है, ऑन करके रखना है। ठीक है, अब हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं जिनमें गैप्स हैं, तो इनको गैप्स को फील करना है। ठीक है, और कुछ रोटेटेड है, हमें उससे सीधी करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसकी लेयर को ऑटोमेटिकली उसने सिलेक्ट कर लिया। देखिए, ऑन ऑफ करके बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। इसके बाद इसके पास में जस्ट लेयर के पास में लेयर और मास्क के बीच में एक लिंक है, लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसको अनचेक कर देना, लिंक को आप हटा देना। अब Ctrl+T प्रेस करेंगे, आप Ctrl+T प्रेस करके अब कॉर्नर से इसको ड्रैग करें इमेज को, तो यहाँ पर फिट हो जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। देखिए, इसी इतने एरिया में रहेगा उसके। ठीक है, जस्ट ये देखिए पास वाले को मैंने Ctrl+T प्रेस किया, बट पहले मुझे अनलिंक करना पड़ेगा। Ctrl+T प्रेस किया, उसके बाद मैंने उसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, इस साइड से हुआ 90 डिग्री रोटेट कर दिया। उसके बाद मैंने उसको रिसाइज कर दिया जिस साइज में मुझे चाहिए उसको। ठीक है, ऐसा ही मैं सभी इमेजेस के साथ करूँगा। ये देखिए मेरा पूरा करेक्शन हो गया, सारी गैप्स मैंने फील कर दिए, है ना। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर एडिट में, एडिट में जाकर आप लोग जाएंगे यहाँ पर डिफाइन पैटर्न पे, डिफाइन पैटर्न में आप जो भी नाम देना चाहें। ठीक है, मैं तो करंट नेम ही रहने देता हूँ, एंड ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद आप आपकी जो भी इमेज है, जैसे ये इमेज है मेरी, है ना, मैं इसको 2 मिनट क्लोज कर लेता हूँ, है ना। ये वाली इमेज को मैंने मेनली बनाना है मोज़ेक, तो ये मैं एक न्यू लेयर में ओपन कर लेता हूँ। न्यू लेयर में ओपन करने के बाद मैं जस्ट यहाँ से लेयर पैनल के नीचे से यहाँ पर एक टैप करूँगा। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न थर्ड ऑप्शन है, पैटर्न पैटर्न पर क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली वो पैटर्न खुल गया है, है ना। अब मैं इसको इसका स्केलिंग में कम करके अप्रॉक्स अभी कर देता हूँ 50 50 पे करके, और ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर जाएंगे मैं नॉर्मल पे, नॉर्मल से इसको लेकर आता हूँ डिजॉल्व से नीचे जाते जाते ओवरले पे मैंने क्लिक किया है अभी भी, बट मुझे इमेजेस के साइज़ जो हैं ये मुझे बड़े लग रहे हैं, तो मैं इसको चेंज करने के लिए यहाँ से डबल टैप करूँगा। डबल टैप करके फिर मैं इसको और रिड्यूस करता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ अप्रॉक्स मैनुअली भी आप डाल सकते हैं 30 पर। ठीक है, 30 मुझे परफेक्ट लग रहा है मेरी इमेज के लिए, है ना। आपकी इमेज के लिए आप कितने फोटोज़ लेते हैं ये सब चेंजेस होंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ओके कर दिया। इसके बाद आप लोग जाएंगे जस्ट इस इमेज पे, इस इमेज को मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज में कुछ चेंजेस करूँगा, तो हम बिफोर आफ्टर देख पाएँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं जाता हूँ एडिट में, एडिट में जाकर अपन चलते हैं इमेज में जाके, एडजस्टमेंट में जाके मैं जाता हूँ शेडोज एंड हाईलाइट्स पे, मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है,
ये मैंने हाईलाइट डिक्रीज कर दिया टोन को मैंने, हेयर मुझे थोड़ा सा टोन्स रिड्यूस चाहिए, डार्क चाहिए पीछे, ठीक है, तो ये मैंने इसको और ओके कर दिया, ठीक है। अब ओके करने के बाद ये दोनों चीज़ें हो गई है। अब देखिए मुझे थोड़ा सा एक अलग कुछ करना है, मुझे देखिए मुझे मेरी आइजेस पूरी शार्प चाहिए, तो आइजेस शार्प करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक और पैटर्न की एक और लेयर बनाता हूँ, कंट्रोल जे कर, कंट्रोल जे प्रेस किया देखिए, और बैकग्राउंड वाली जो पुरानी वाली लेयर उसको बंद कर देना, ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद मैंने पुरानी वाली लेयर बंद कर दी, नहीं तो कि देखिए इतना ज़्यादा हो जाएगा वो, ठीक है। पुरानी लेयर बंद करके इस पर राइट क्लिक करेंगे आप, इसको आप करिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद एक बार और राइट क्लिक करेंगे, आपको आपको इसको रिस्टराइज लेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद करने के बाद आप इरेजर लेंगे नॉर्मल इरेजर पे, ठीक है, बेसिक इरेजर लेंगे आप, ठीक है, बेसिक इरेजर आपने लिया, इस पर जूम इन करें थोड़ा, और आइस के यहाँ पर इसी लेयर को सिलेक्ट करके आइस के यहाँ पर मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी में 100% कर देता हूँ, ठीक है, ब्रश की ध्यान रखिएगा, या ओपेसिटी फ्लो आप चेक कर लीजिएगा अगर आपका कम ज़्यादा हो तो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका मोज़ेक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए।